Hi guys, welcome back to my YouTube channel. मैं सोनाली सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो माय हेयर केयर रूटीन। आप देखेंगे कि मैं अपने बालों के लिए क्या यूज करती हूँ। कोई स्पा नहीं है, कोई यहाँ पे पार्लर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई केराटिन ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत ही ईजली 4-5 प्रोडक्ट हैं जो कि मैं अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ, वीक में ओनली ट्विस्ट। एंड लेट स्टार्टेड द वीडियो बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। कुछ मिनट्स में ही आपको अपना क्लियर रूटीन आपको बता दूँगी जो भी मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। एंड जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ आप वही यूज़ करना प्लीज़। जो भी आपके लाइक हेयर कलर या हेयर स्ट्रेटनर या फिर आप ड्रायर, मोस्टली आप ड्रायर यूज़ करते हैं, ड्रायर आप अवॉइड करें। ड्रायर आपके हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। सो लेट स्टार्टेड। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे बालों की कंडीशन क्या है। बहुत ही फ्रीजी, एकदम रूखे उलझे झाड़ू की तरह बाल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। सो सबसे पहले हम अपने बालों की ऑयलिंग करेंगे। ऑयल अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे आलमंड ऑयल यूज किया है। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो भी ऑयल यूज़ करें अपने बालों के लिए उसे हल्का सा वॉर्म कर लें। गुनगुना करने के बाद जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो अच्छे से अपने बालों की मसाज करें। कोशिश करें रूट को अच्छी तरीके से मसाज करें, क्योंकि जो ऑयल होता है वो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स देता है। एंड अब हम अपने बालों का एक बन बनाएंगे, उसके बाद हम 2-3 घंटे तक रिलैक्स रखेंगे। इसी तरीके से 2 या 1 घंटे बाद या 3 घंटे बाद फिर बारी है यहाँ पे हेयर को वॉश करने की। हेयर वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट लोरियल एडवांस टोटल रिपेल शैम्पू। एंड इसके साथ ही मैं एज अ कंडीशनर आर्गन का मास्क यूज़ करती हूँ। नो सल्फर नो सिलिकन के साथ है, बहुत ही अच्छा। इसमें करी लीव के साथ है जो कि बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो बकेट में मैंने पानी फिल कर लिया है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं शावर भी इस्तेमाल कर सकती थी, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। एंड मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं यूज़ किया क्योंकि मैंने यहाँ पे कैमरा एंड लाइट्स यूज़ किया है, तो वो वाटर के थ्रू इफेक्ट हो सकता था, इसीलिए मुझे यहाँ पे बकेट यूज़ करना पड़ रहा है। सो आप अपने बालों को पहले अच्छे से वेट कर लेंगे, गीला कर लेंगे पूरा। एंड फिर अपने बालों पे आप शैम्पू इस तरीके से अप्लाई करेंगे। आप कोई भी शैम्पू जो भी आप अपना अप्लाई करते हैं, अगर आप यही परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आपको अपने पूरे हेड पे अच्छे से शैम्पू अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने एक थोड़ी क्वान्टिटी में लिया है एज अ मेरे बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। आपकी जितनी लेंथ है आप उतना, जितना शैम्पू यूज़ करते हो आप उतना ही इस्तेमाल करें। आपको अच्छे से इसमें वाटर मिला मिला के पूरे बालों को आपको कवर करना है, अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि आजकल बहुत ही डस्ट एंड पॉल्यूशन है, मिट्टी है, जिसकी वजह से जो हमारे बाल हैं बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। वीक में 1 या 2 बार धोने के बाद भी, 2 या 3 बार धोने के बाद भी आपके बाल, मतलब बहुत ही बालों की हालत जो है, कंडीशन बहुत ही बिगड़ती जा रही है। तो आपको इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है। अगर आपको लगता है कि अभी नहीं क्लीन हुए तो आपको हल्का सा थोड़ा सा शैम्पू और इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने लोअर हेयर्स के लिए थोड़ा सा अलग से शैम्पू इस्तेमाल किया है। अब मैं इन्हें अच्छे से मसाज करूँगी, पूरे बालों को कवर करूँगी, उन्हें क्लीन करूँगी अच्छे से। एंड अंदर तक आपको हेयर जो रूट है वहाँ पे भी हल्का सा आपको शैम्पू अब्सॉर्ब करवाना है, ताकि जो भी अंदर आपके स्कैल्प पे मिट्टी है वो सारी क्लीन हो जाए। एंड इसे अच्छे से वॉश करना है, आपको पूरा जो शैम्पू है वो अच्छे से वॉश करके पानी के थ्रू निकाल देना है, क्योंकि अगर ये शैम्पू और पानी आपके बालों में रह जाता है स्कैल्प पे तो सूखने के बाद वो डैंड्रफ में चेंज हो जाता है। जिस तरीके से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है उसी तरीके से हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है। अब यहाँ पे बारी है हेयर मास्क की। तो मैंने एक थोड़ी सी क्वांटिटी में, लाइक 1 स्पून बड़ा, यहाँ पे मैंने हेयर मास्क यूज़ किया है। उसे हल्का हल्का पहले स्कैल्प पे लगाने के बाद लोअर टिप तक अप्लाई करूँगी अच्छे तरीके से। एंड हल्का हल्का इसमें अगर आप वाटर मिलाएंगे तो यह ईज़िली आपके बालों को पूरी तरीके से कवर कर लेगा। ये एज अ कंडीशनर ही वर्क करता है, थोड़ा सा अच्छा होता है कंडीशनर से, क्योंकि इससे इसके थ्रू आपके बालों को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एज अ बैलेंस डाइट आपके बालों को पूरा न्यूट्रिएंट मिलेगा एंड आपके बाल काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। कंडीशनर आपके बालों को सिर्फ सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है, लेकिन ये प्रॉपरली आपके बालों को न्यूट्रिएंट देता है, आपके बाल हेल्दी भी होते हैं इससे।
सो पानी यहाँ पे अब ख़त्म हो गया है, हम दोबारा से बकेट को फिल करेंगे एंड उसके बाद हम अपने बालों को अच्छी तरीके से इसमें डिप करेंगे। इस तरीके से डिप करने से क्या होगा, जो भी हमारा रह गया है वाटर या भी झाग जो भी रह जाएगा हमारे बालों पे, इस प्रोसेस से वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, हमारा स्काल्प पूरी तरीके से अच्छे से साफ हो जाता है, जो भी एक्स्ट्रा उसमें वाटर वगैरह होता है पहले का वो पूरी तरीके से बाहर हो जाता है। अब हम इस तरीके से वाटर हटाएंगे एंड एक टॉवल लेंगे साफ, अपने बालों को अच्छे तरीके से पोंछेंगे जिससे जो भी वाटर है एक्स्ट्रा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा टॉवल में। एंड अब आ रही है हेयर सीरम की, तो हेयर सीरम के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ स्ट्रिक्स का, जो कि ऑलवेज यूज़ करती हूँ, एंड ये आमंड ऑयल के साथ है। तो आपको थोड़ा थोड़ा लेके अपने पूरे बालों पे लगाना है, रूट पे भी लगाना है एंड जो लोअर पोर्शन है आपको वहाँ पे भी अप्लाई करना है इस तरीके से, क्योंकि जो फ्रीजनेस होती है वो लोअर वाले जो बाल होते हैं उन पे ज़्यादा होती है, एंड जो सीरम होता है वो बालों में एक नरिशमेंट लाता है, आपके बाल काफ़ी सिल्की होते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, तो इस तरीके से लस्टर आपके बालों को एक लस्टर देता है जिसकी वजह से उनमें जो सिल्कीपन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आपको अपने पूरे बालों पे सीरम अप्लाई करना है, उसके बाद इस तरीके से कॉम्ब लेना है। कोशिश करें कि ये आप जो प्लास्टिक कॉम्ब यूज़ करते हो उनको अवॉइड करें आप, क्योंकि जो वो होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड जहाँ पे भी आपके बाल उलझे होते हैं तो वो वहाँ से सॉफ्टनेस नहीं दिखाते, फ्रेंडली नहीं होते और वो उतने ही एरिया के आपके जो भी बाल होते हैं उनको वहाँ से तोड़ देते हैं। ये जो ब्रश होते हैं, इनके जो ब्रशेस होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं एंड ये आपके बालों के साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। अगर जहाँ पे भी आपके बाल उलझे हैं तो वे वहाँ से ईजिली फिसल जाते हैं एंड ईजिली आपके बालों को ना बहुत ही अच्छा स्मूथली आपके बालों को कॉम करते हैं। इनके थ्रू आपके जो बाल होंगे वो ज़्यादा टूटेंगे नहीं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो होगी वो हल्की सी आपको कम होते नज़र आएगी। तो इस तरीके से बहुत ही कॉस्टली नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको किसी भी मार्केट से आप इन्हें 70, 80 या 50 या 100 में आप इन्हें ईजिली परचेज कर सकते हो। सो कोशिश करें आपके आप जो भी ब्रश ले रहे हैं उसके जो ब्रशेस हों टीथ हों वो स्मूथ हों, अगर स्मूथ नहीं होंगे तो वो एज अ कॉम भी आपके साथ वर्क करेंगे। सो इस तरीके से हमारे पूरे बाल अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे कॉम कर लिया। गाइज आपको जो भी प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है वो आपको रूट में ज़्यादा इस्तेमाल करना है अपने हेयर की, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी प्लांट होते हैं हम उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं वाटर देते हैं बेसिकली हम रूट में ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, खाना जो भी मिलता है एक तरह से वो उन्हें रूट से ही मिलता है। सो ड्राई होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपके हेयर की जो कंडीशन है इस तरीके से होगी, कोई यहाँ पे हेयर स्पा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ 4-5 सीरम जो होता है वो बालों के लिए बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, जो भी प्रोडक्ट हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं। आई होप कि इट्स वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, शेयर कर दें फ्रेंड के साथ, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।